नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के वीडियो में जहां हम बात करने वाले eXUV 300 के बारे में। वेल, महिंद्रा जो है वो ऑटो एक्सपो में शोकेस कर रहा है अपनी eXUV यानी कि इलेक्ट्रिक XUV। तो नेक्सॉन जो है वो इलेक्ट्रिक हो गई है, लेकिन उसके अलावा और कोई भी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट XUV जो इलेक्ट्रिक नहीं थी, महिंद्रा ने यहाँ पे KU 300 को प्रॉपर इलेक्ट्रिक दिखाया, प्रोडक्शन रेडी। लेकिन ये जो है एक कॉन्सेप्ट है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी कैसे ये जो है थोड़ा डिफरेंट है बाकी आने वाली इलेक्ट्रिक कार से, क्या महिंद्रा चेंजेस ला रहा है, उन सब चीज़ों की बात करने वाले हैं। मेरे पास ना सिर्फ eXUV 300 है बल्कि उसका प्लेटफॉर्म जो है उस पर ये भी बेस में चीज़ें बता सकता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें इसके बारे में पता है, उन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गाड़ी के इर्द गिर्द घूमते हैं और यहाँ की बात कर लेते हैं। तो आगे ये ऐसी हेडलाइट जो है वो आप उम्मीद ना कीजिएगा कि प्रोडक्शन मॉडल में आएगी, बट ये यहाँ पे इसलिए दी गई है ताकि जो है आपको एक बेहतर अंदाज़ा लग सके। तो ये कुछ ऐसा जो है महिंद्रा सोच रहा है करने की, डेफिनेटली काफ़ी सारे बदलाव प्रोडक्शन रेडी मॉडल में होंगे। हालांकि ग्रिल जो है वो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कुछ सिमिलर सी आ सकती है, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है वेंट्स वगैरह की यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर्स में, तो वो जो है सिमिलर से दिख सकती है। कुछ ऐसा यहाँ से दिखता है। साइड में अगर हम चलें तो फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए यहाँ पे कैमरा बेस जो है ORVM दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी की तरफ अगर आप इंटीरियर में जाके तो उस कैमरा बेस ORVM के लिए कोई भी डिस्प्ले अंदर की तरफ नहीं दिख रही है। तो शायद वो भी जो है गाड़ी में नहीं आया फाइनल वर्जन में। यहाँ पे जो है कुछ व्हील कैप ऐसे होंगे जो कि अलग हो जाएंगे, ऑब्वियसली यहाँ अलॉय दिए जाएंगे। बस महिंद्रा ने अभी फिलहाल ये शोकेस करने की कोशिश की है कि हम इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। इनफैक्ट सोर्सेज से ये भी पता चला है कि महिंद्रा जो है काफ़ी आगे की स्टेज पर जो है वो अपने गाड़ियों के साथ में है, टेस्टिंग फेज में है। और इस पर्टिकुलर XUV के लिए वो दो तरीके के डिफरेंट रेंज वाली गाड़ियां जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। तो क्या चीज़ें, अंदर से सब कुछ सेम है, अंदर से पूरी गाड़ी जो है वो एग्जैक्टली सेम है, जो हम देख रहे हैं वही की वही है, कोई डिफरेंट नहीं। इनफैक्ट इस वाली गाड़ी में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह की जो है पन्नियाँ लगी हुई है, तो कोई फर्क नहीं। हालांकि गियर लीवर अगर आप देख पा रहे हैं तो गियर लीवर में थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर है, क्योंकि ये दर्शाता है कि इस गाड़ी में कुछ चीज़ें तो अलग होने वाली है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। वो इंटीरियर वगैरह ब्लू कर दिया गया। अभी बात करते हैं क्या प्लेटफॉर्म है, कैसे महिंद्रा जो इसको डिफरेंटली डेवलप कर रहा है उन चीज़ों की। सबसे पहले चलते हैं इस वाले प्लेटफॉर्म की तरफ और यहाँ पे क्या चीज़ शोकेस की जा रही है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें, ये पर्टिकुलर इंजन और बैटरी पैक जो है वो लगा हुआ है, चेसी के साथ असेंबल हुआ हुआ है। अब जो बाकी कंपनीज करती है वो ये करती है कि एक पूरी तरीके से जो है नीचे बेस होता है, उसके अलावा मतलब डायरेक्ट एक बैटरी पैक यहाँ लगा होता है, लेकिन यहाँ महिंद्रा ने जो है उसको एक्सटेंड किया है और बड़ा बनाने की कोशिश की है। तो वो एक बड़ा बैटरी पैक जो है वो इसमें लगा सकते हैं उनके जो प्लेटफॉर्म है उसमें, और उस वजह से जो है इसकी रेंज जो है वो बढ़ जाएगी। प्लस अगर आप नोटिस करें तो यहाँ जो है पूरा बैटरी पैक मोटर वगैरह जो है सबको दर्शाया गया है। अभी ये ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे पार्ट्स मिसिंग है, एग्जैक्ट एज इट इज़ नहीं है, जैसे कि यहाँ पे दूसरी बैटरी या बाकी सारे जो पार्ट्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो यहाँ नहीं दिए गए हैं। बट क्या क्या चीज़ें हैं उनकी बात कर लेते हैं। ऊपर की तरफ मोटर लग रखी है, यहाँ पे कूलिंग के लिए लगाया गया है, और उस तरफ जो है एक्सेल वगैरह में कनेक्ट किया गया है, और वाटर कूलेंट जो है वो किस तरीके से इंजन के अंदर फ्लो करेगा ये चीज़ भी यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। मैं जूम कर देता हूँ तो वाटर कूलेंट जो है वो किस तरह से इंजन के अंदर या मोटर के अंदर जो है रिवॉल्व करेगा, बैटरीज वगैरह को ठंडा करेगा, उसको जो है यहाँ डिस्प्ले किया गया है। साथ ही में ये भी दर्शाया गया है कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी बहुत ही बेहतरीन जो है महिंद्रा रख पाएगा, क्योंकि आगे की तरफ मोटर वगैरह जो है वो होगी, पीछे बैटरी बैक होगा और थोड़ा सा हम्प जो है पीछे राइज कर जाएगा, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो है कोई तकलीफ जो है महिंद्रा को नहीं होने वाली है। अब ये फ्रंट व्हील ड्रिवन ही रहेगी पूरी, मतलब इसकी सारी मोटर जो है फ्रंट व्हील में ही होगी, ऐसा नहीं होगा कि इंडिविजुअल टायर्स के पास में कोई मोटर दी जाएगी, सारी फ्रंट व्हील में आएगी। ये चीजें हैं। ये पता चला है कि महिंद्रा जो है दो तरीके की रेंज जो है वो टेस्ट कर रही है। प्रॉब्ली हो सकता है एक 45 किलोवाट और एक 60 किलोवाट के आसपास की जो है वो रेंज, मतलब बैटरी या कैपेसिटी वाली गाड़ियां जो है वो टेस्ट कर रहे हैं, और साथ में रेंज का डिफरेंस जो है वो 300 से लेकर 450 किलोमीटर के बीच का हो सकता है, दोनों अलग अलग में हो सकता है। तो उम्मीद ये है कि महिंद्रा जल्द ही इस पर्टिकुलर SUV को डेवलप कर पाए और ARAI वगैरह से सर्टिफिकेशन लेके हम जो है इसे खरीद पाएँ या एटलीस्ट चला पाएँ। तो हमें ये जान के बहुत खुशी होगी कि एक और कंपटीशन जो है वो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV में आ गया है, और क्योंकि ये इंडिया में डेवलप की जा सकती है अपार्ट फ्रॉम द बैटरी साइड, तो यहाँ पे जो है प्राइस वो जो काफ़ी सही रखा जा सकता है। जैसे कि टाटा नेक्सॉन जो है इलेक्ट्रिक, उसमें भी बहुत ही बढ़िया प्राइस जो है टाटा रख पाया है, तो हो सकता है एक और होम ग्रोन अगर प्रोडक्ट बन जाए तो उसकी भी प्राइस बेहतरीन रखी जा सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद, दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। ऑटो एक्सपो से रिलेटेड बाकी वीडियोस प्लेलिस्ट में तो आप देख सकते हैं।